हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एज जर्नी। और आज हम हैं रेड फोर्ट पर। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये है रेड फोर्ट, लाल किला। और आज हम यहाँ आए हैं इसलिए क्योंकि हम जाएंगे चांदनी चौक, जो कि अब रीडेवलप हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है। ये सामने है लाल किला का फ्रंट और इसके जस्ट अपोजिट में है रोड की दूसरी तरफ द फेमस चांदनी चौक बाजार की रोड, जहाँ हम जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं चांदनी चौक के अंदर। सामने दिगंबर जैन लाल मंदिर है और है चांदनी चौक की रीडेवलप्ड खुली एंड ब्यूटीफुल सी रोड। दिस रोड लुक्स सो वाइड। अब इस जगह को ओनली फॉर वॉकिंग बना दिया गया है। यू कैन सी लेफ्ट साइड में ग्रीनरी भी है, वॉकिंग के लिए इतना खुला स्पेस है। और अगर आप पहले यहाँ आए हैं तो आपको डिफरेंस साफ पता चल जाएगा। इस रोड पर आना इतना मुश्किल होता था बिकॉज ऑफ क्राउड एंड कंजेशन, जो अब बहुत आसान हो चुका है। सो अब आपको यहाँ पर आना, चलना और शॉपिंग करने में काफी मजा आने वाला है। एंड दिस इज द रीजन ये रीडेवलपमेंट किया गया। अब आप आराम से अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग, ईटिंग और घूमने का आनंद ले सकते हैं। और ये मार्केट है लेफ्ट साइड से राइट साइड तक। इट लुक्स सो स्पेसियस एंड ओपन। और अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पर कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं है, सारी जगह खाली हो चुकी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि पहले आधी से ज़्यादा रोड तो वेंडर्स और शॉप्स इंक्रोच कर लेती थी। अब इस जगह को बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लानिंग के साथ डिज़ाइन किया गया है। रोड के बीच में ये ग्रीनरी लगाई गई है, साथ में राउंड से छोटे छोटे स्टोन के पिलर्स बनाए गए हैं। एंड यू कैन सी द लुक, चांदनी चौक, ग्रीनरी एंड रेड फोर्ट। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा हो चुका है यहाँ का। अगर आप ऐसे चांदनी चौक पर चल सके विदाउट कोई धक्का मुक्की, रिक्शास फ्रीली, तो क्या बात है। अगर अब आप इस रोड की ब्रॉडनेस देखेंगे फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, देखिए जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ वहाँ से ये रोड है सामने मैकडोनाल्ड तक, विच विल बी अराउंड एटलीस्ट 100 फुट। तो लगभग ये रोड अब 100 फुट के आसपास चौड़ी हो चुकी है। और अगर आप नीचे देखेंगे तो रोड भी कुछ रेड कलर की बनाई गई है, मैचिंग विद द एम्बियंस ऑफ दिस प्लेस। साथ में मैचिंग स्मॉल पिलर्स भी हैं, विच इज़ वेरी नाइस। और कहीं कहीं पर टाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। ग्रीनरी का काफ़ी ध्यान रखा गया है, ये बड़े बड़े गमले लगाए गए हैं और यहाँ साइड्स में भी प्लांटेशन की गई है फ्यूचर के लिए, जो आने वाले वक्त में इस जगह की ग्रीनरी को और बढ़ाएगा। और अब देखिए इंक्रोचमेंट बिल्कुल नहीं है, शॉपकीपर्स आर इनसाइड देयर शॉप्स और बाहर कोई सामान नहीं है। एंड दिस इज सर्टेन काइंड ऑफ डिज़ाइन विच दे हैव क्रिएटेड। अगर आप बैठना चाहें तो यहाँ पर ऐसे प्रॉपर बैठने के लिए चबूतरे बनाए गए हैं, जहाँ पर बैठकर आप रिलैक्स कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर काफ़ी खुलापन सा लगता है, ग्रीनरी भी देखने को मिल रही है और हर जगह यहाँ पर ग्रीन ग्रास के डिवाइडर हैं। एंड आपको ये सामने नज़र आ रहा है, ये है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। इट वॉज फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड इन 1783 इन रिमेम्बरेंस ऑफ गुरु तेग बहादुर। एंड दिस इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कंस्ट्रक्टेड इन 1806 बाई ब्रिटिशर्स। दिस इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ SBI एंड सबसे बड़ी भी पूरे इंडिया में आज भी। एंड दिस इज मैकडोनल्ड ऑफ चांदनी चौक। इसके साथ से ही इलेक्ट्रिकल मार्केट का भी रास्ता जाता है और यहीं पास में है हल्दीराम। ट्रीज को वैसे ही रखा गया है जैसे वो पहले से यहां पर थे। यहां से पराठा वाला गली का रास्ता जाता है। अब आपको यहां घूमने में बड़ा मजा आने वाला है। आप जितना टाइम चाहे यहां बिता सकते हैं। जैसे मैं यहाँ घूम रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी खुलापन है, काफ़ी ओपननेस है। पुरानी दिल्ली में लाल किले को देखते हुए इतनी बेफिक्री से घूमना एक नयापन सा तो है ही। यहाँ पर काम अभी पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा रहता है। जैसे आप देख सकते हैं काम भी यहाँ पर चल रहा है, होपफुली ये काम थोड़े टाइम में कम्प्लीट हो जाएगा।
ये टाइल्स का काम चल रहा है, ड्रेनेज का काम भी जारी है और शायद ये काम चलता भी रहे तो अब आप इस नई रोड को यूज़ कर सकते हैं। ये रोड काफ़ी जगह को कनेक्ट करती है, नई सड़क चावड़ी बाजार, इसे प्रॉपर तरीके से बनाया जा रहा है। आसपास में क्योंकि मार्केट्स हैं तो दीवार को पहले वुड से कवर किया जा रहा है सो दैट देयर विल बी नो इशू इन लॉन्गर टर्म। और अब मैं आपको दिखाता हूँ वो चांदनी चौक जिसे आप आज तक जानते थे, आप खुद कंपेयर कीजिए कि कौन सा वाला बेहतर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।